परिजनों और मित्रों के साथ वैवाहिक रस्में पूरी कर नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचे दूल्हे की होश उस वक्त उड़ गए जब उसने दरवाजे पर ही हथकड़ी लेकर पुलिस उसके स्वागत के लिए खड़ी नजर आई। पुलिस ने दूल्हे को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला जिले के तपकरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल तपकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने दूल्हे पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी दूल्हा अनिरुद्ध सिंह जनपद पंचायत परसा बहार में मनरेगा के तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। पीड़िता ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया है कि आरोपी अनिरुद्ध से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान अनिरुद्ध ने शादी का वादा कर कई बार उसका दैहिक शोषण किया। शादी की बात कहने पर आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। इस बीच अनिरुद्ध ने पीड़िता को अंधेरे में रख ओडिशा के राउरकेला की युवती से विवाह करने की तैयारी कर ली। जब पीड़िता को इसकी भनक मिली तो उसके होश उड़ गए। वो तत्काल इसकी पतासाजी की, लेकिन इस बीच 18 फरवरी को अनिरुद्ध विवाह रचाने के लिए राउरकेला रवाना हो चुका था। प्रेमी के दगाबाजी से आहत पीड़िता सीधे पुलिस थाने पहुंच गई और अनिरुद्ध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अनिरुद्ध सिंह के घर पहुंच गई और बारात के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। अगले दिन जैसे ही अनिरुद्ध दुल्हन के साथ वापस घर पहुंचा, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सीधे थाने ले आई। एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मनरेगा तकनीकी सहायक विकासखंड फरसा बहार में कार्यरत है, उसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और वर्तमान में उसने दूसरा विवाह कर लिया है। इस पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था 376, 313 और 325 SC के तहत और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामला न्यायालय में रिमांड कर। बहरहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसे में प्रेमिका की जिंदगी बर्बाद कर युवक ने अपनी दुल्हन को भी अंधेरे में रखकर शादी कर ली है, जिसकी जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। जशपुर से योगेश यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।